गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। हम आपको वंशागति का सिद्धांत समझा रहे थे, जिसमें गुणसूत्रीय सिद्धांत तथा मानव की अनुवांशिकी के बारे में बताया गया था। पिछली क्लास में हमने आपको समिष्टि अनुवांशिकी बताया था तथा उसमें हमने जुड़वा अध्ययन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा किस प्रकार से एक ही प्रसव में दो बच्चे जन्म लेते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि ये लड़के लड़के भी हो सकते हैं, या पुत्री पुत्री हो सकती है, या पुत्र या पुत्री दोनों हो सकती है, या फिर दोनों आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें हम सियामीज जुड़वा कहते हैं, जैसा कि कल हमने आपको बताया था। तो आज हम उसी के आगे अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है मानव में मेंडेलियन व्यक्ति क्रम। मानव में मेंडेलियन व्यक्ति क्रम, मानव में मेंडेलियन व्यक्ति क्रम यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर इन मैन। देखिए, ये मेंडेलियन जो व्यक्तिक्रम है वह किस प्रकार से मानव में है, तो ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत, जो लक्षण मटर के पौधे में देखे थे, यही क्रिया उन्होंने कई जीवों में, ड्रोसोफिला में तथा मानवों में भी देखी। तो इससे इसीलिए इसे अनुवांशिकी का जनक, मेंडेलियन को, मेंडेल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं वे सब मेंडेल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो इसमें सभी लोग लिखेंगे, मानव में लिंग गुण सूत्रों में उत्परिवर्तन के अतिरिक्त दैहिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के